चीनी 100 रुपए किलो, आटा 60 रुपए किलो, क्या खाएगा गरीब आदमी। और अभी जो गैस नहीं आ रही, लोग गैस डलवा रहे हैं, गैस डलवा रहे हैं, घर में सिलेंडर रख रहे हैं, वो रख रहे हैं, सुबह भागे भागे काम पे आते हैं, शाम को जाते हैं, क्या करें, जिंदगी तो गुजारनी है, धक्का दे रहे हैं वो जिंदगी को। डेली महंगी हो रही है, डेली महंगी हो रही है, रोज बिजली तो आई नहीं रही, बिजली आ कब रही है, 24 घंटे बिजली गायब है, बिजली आ कब रही है, गैस का भी इतना आ रहा है, गैस भी नहीं आ रही, गैस भी नहीं आ रही, गैस भी इतना परेशान कर रहा है, पूरा पूरा दिन गैस नहीं आती, सुबह परेशान, बाहर का नाश्ता कब तक करते रहेंगे हम लोग, परेशान हो रहे हैं, क्या करें, क्या कह सकते हैं, अपने आप को मार ले या बच्चों को मार दे। तो इसकी मेहरबानी है, इसको पाकिस्तान के अवाम ने कैसे चुन लिया, हमें इस बात की खुद समझ में नहीं आती। चीनी कहाँ थी चोरों के दौर में और साधों के दौर में, अच्छे लोगों के दौर में चीनी कहाँ पहुँची, आटा कहाँ था, कहाँ पहुँचा, चलो पेट्रोल महंगा था। सर मेरा सबसे पहले ये कहूँगा कि लोग खुदकुशी करने में मजबूर हो गए, क्या कर सकता है एक बंदा, हर बंदे को पता है कि महीने के अखराजात कितने हैं और महीने की कमाई कितनी है, 17,600 सैलरी है और 17,600 घर नहीं चलता भाई, लोग इतने मजबूर हो गए ना कि अपने बच्चों को यहाँ के ना फेंकने के लिए तैयार है। तनख्वाहें कम है, ऊपर से बेरोजगारी भी है, अलग बेरोजगारी है, महंगाई है, हर चीज़ दिन ब दिन, हर कोई चीज़ इनके कंट्रोल में नहीं है। गरीब आदमी के लिए 100 रुपए किलो चीनी सुनना भी एक वो है, किस तरह बच्चों को पालेगा, शाम की चाय, सुबह का नाश्ता, आटा इतना महंगा, क्या किया जाए, फिर चीनी पत्ती आटा, ये घर में कम से कम ये अशिया तो हर वक्त चाहिए होती हैं, चलो बच्चों को चाय पराठे ही खिला दे गरीब आदमी, तो ये भी नहीं खिला रहा, ये भी छीने ले रहे हैं अपने, बस क्या कह सकते हैं। पाकिस्तान के लोगों ने आज तक इतनी भयंकर महंगाई कभी देखी नहीं थी। पाकिस्तान के जानकारों का कहना है कि भारत के साथ व्यापार बंद करने से ही पाकिस्तान में इतनी महंगाई बढ़ी है। पाकिस्तान की महंगाई पर पाकिस्तान मीडिया क्या कहता है, चलो देखते हैं इस वीडियो में। और कुकिंग ऑयल की कीमत में 6 से 9 रुपए फी लीटर तक इजाफा कर दिया गया है। महंगाई 7 माह की बुलंद तरीन सतह पर है इस वक्त। हमारा सवाल ये है कि आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा। अमीर अब्बास साहब, माशाल्लाह रमजान का चांद तो चढ़ा नहीं है, लेकिन इस हुकूमत ने महंगाई का चांद चढ़ा दिया है। पहले लोग कम पिसे हुए थे कि अब फिर मजीद एक झटका जो है वो अब लोगों को लगने लगा है। और खुद हुकूमत जब ऐलान करे कि हम मरलावार 5.5 रुपए तक बिजली महंगी करेंगे, और सर्कुलर डेट इन्होंने कहा था कि वो हम ख़त्म करेंगे, 1200 अरब पिछली हुकूमत छोड़कर गई थी, इनकी हुकूमत में शायद कुछ 2400 अरब रुपए से ज़्यादा चला गया, बिजली गैस महंगी करते गए, हमें ये कहा कि इसलिए महंगी कर रहे हैं कि हम कर्जे उतारेंगे, हम सर्कुलर डेट ख़त्म करेंगे, हमें हमारे साथ तो हाथ हो गया, हमें बाद में पता चला कि सर्कुलर डेट कम होने के बजाय बढ़ गया है। कर्जे माशाल्लाह जब ये हुकूमत आई थी तो 95 अरब डॉलर के कर्जे थे, इसमें कोई शक नहीं कि 95 अरब डॉलर में इमरान खान का हिस्सा नहीं था, वो माजी के लोगों का था। हमसे इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं कर्जे कम करूंगा, आज कर्जे 115 अरब डॉलर्स पर हैं, 115 अरब डॉलर्स। हमसे कहा गया कि कर्जे इसलिए ले रहा हूं कि कर्जे कम करूंगा, किससे उतारूंगा, सूद दूंगा। बाबा 95 अरब डॉलर पे आपको मुल्क मिला था, आपने कर्जे लिए, आप उसको और कुछ नहीं तो 92-93 अरब डॉलर ही कर देते। ठीक है नाज़िम बेग चुगताई साहब, जब मग़रबी ममालिक में हम देखते हैं क्रिसमस आता है, सेल्स लग जाती हैं, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, हमारे यहाँ रमज़ान आने से पहले ही सारा कुछ महंगा हो जाता है, गरीब आदमी अफ्तारी भी अच्छे से नहीं कर सकता, कैसे रिलीफ मिलेगा आवाम को। गोश्त महंगा, सब्जी महंगी, मटन महंगा, अंडा महंगा, दूध महंगा, डबल रोटी महंगी, तंदूर की रोटी महंगी। और परसों वो फिर कागज़ ला रहे थे इतसा वाले बाबा कि सट्टा पकड़ा गया, सट्टा पकड़ा गया, चीनी का सट्टा, उसके फौरन बाद चीनी की कीमत में इजाफा हो गया 2 रुपए और। वो सट्टा पकड़ते रहें, आप नोटिस देते रहें, इजाफा कराते रहें, तो 3/4 लोग जो हैं वो बेतहाशा मुतासिर हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। मैं बार बार ही कहता रहा हूँ 150% इजाफा हुआ है महंगाई में इस हुकूमत में, जो ये कहकर आई थी कि $1 भी अगर बढ़ता है रुपए की कीमत में तो प्राइम मिनिस्टर बदलुमान होता है। बहुत सी मिसालें ऐसी उन्होंने दी थी जो अब उन पर उल्टी सादिक आ रही हैं। तो FATF में ब्लैक लिस्टेड होने का किया जिक्र, FATF में पाकिस्तान पर ब्लैक लिस्टेड होने का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस पर भी बात रखी।
इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान एफटीएफ में मेरे सरकार में शामिल नहीं हुआ, यह पहले से है। इमरान खान ने कहा, अगर पाकिस्तान आज एफटीएफ की ब्लैक लिस्ट में शामिल हो जाता है तो हम पर प्रतिबंध लगा दिया जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी, लोगों पर और दबाव पड़ेगा। इमरान खान ने कहा, दुनिया में सबसे भ्रष्ट जरदारी को कहा जाता है। कहा जाता है कि एक जरदारी सब पर भारी। नवाज शरीफ एक डाकू देश को लूटकर झूठ बोलकर भागा है। जैसे ही जहाज पर चढ़े आज बिल्कुल ठीक है। लंदन से साजिश रच रहा है, किसे पैसे देने हैं, किसे पैसे खिलाने हैं, ये सभी डाकू इकट्ठा होकर दबाव डाल रहे हैं कि इमरान खान जनरल मुशर्रफ की तरह इस्तीफा दे देगा। जरदारी और शरीफ दोनों ने देश को लूटा, दोनों ने देश पर 4 गुना कर्जा बढ़ा दिया। इन लोगों को पता था कि इमरान हमारे भ्रष्टाचार के केस माफ नहीं करेगा। ये केस हमने नहीं बनाए, ये केस पहले से थे। जरदारी का $60 मिलियन स्विट्जरलैंड में जमा है। इमरान खान ने कहा, हमारे लिए बिजली की चुनौती है, कॉन्ट्रैक्ट महंगे किए गए हैं। अगर हम बिजली की कीमत बढ़ाते हैं तो लोग परेशान हो जाएंगे, लेकिन नहीं बढ़ाते तो हमारे पास कर्जे बढ़ रहे हैं। हम कुछ ऐसी योजनाएं ला रहे हैं जिससे हमारे पैसे बचे। हम कर्जे से कैसे बाहर निकल सकते हैं, इसके लिए पैसों की ज़रूरत है। इमरान ने कहा कि हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है, इसी से आर्थिक विकास होगा। हम इन्वेस्टमेंट पर फोकस कर रहे हैं, लोग तैयार हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए। हम मेगा प्रोजेक्ट ला रहे हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान में महंगाई और गरीबी को सबसे बड़ी समस्या बताया। उन्होंने कहा, महंगाई बढ़ गई है, लोगों का गुजारा सैलरी में नहीं हो रहा है। इमरान खान ने कहा, मेरे ऊपर महंगाई का सबसे बड़ा प्रेशर है, रुपया गिरता है तो महंगाई बढ़ती है। हम जितना पैसा इकट्ठा करते हैं उसका आधा कर्जों के किश्त में चला जाता है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार इस पर काम कर रही है कि कैसे महंगाई की मार कम की जाए। हम जल्द से जल्द ऐसी स्कीम लगाएंगे जिससे निचले तबके को सब्सिडी मिल सके, उन्हें राहत मिल सके। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान में कोई भूखा ना सोए, इसके लिए रसोई बनाई जा रही है ताकि भूखे मंद लोगों को खाना मिल सके। कोई भूखा ना सोए, इसके लिए एरिया चुने गए हैं, यहाँ रसोइयाँ बनाई जा रही हैं। जब तक गरीबी को दूर करने के लिए स्कीमें शुरू होती है, तब तक हम भूखों का पेट भरने के लिए अभियान चला रहे हैं। इसके अलावा किसानों के लिए भी अच्छी स्कीमें ला रहे हैं। हम किसानों के ऊपर खास जोर दे रहे हैं।